नमस्कार दोस्तों, भ्रष्टाचार की इस बढ़ती आग में अब सब कुछ बिकने लगा है। छोटी से लेकर के बड़ी नौकरियां अब पैसों के दाम बिकने लगी हैं। जी हां बिल्कुल, पूर्व लोक सेवा अध्यक्ष अनिल यादव को हटा देने के बाद भी इनमें कोई कमी नहीं आई, और लेकिन अब वो परिंदे थोड़ा ठंडा महसूस करते हैं। ये है, हम बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की। 5% तक का कमीशन परीक्षा नियंत्रक को मिलता था। ऐसा परीक्षा नियंत्रक यानी कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार ने स्वीकार किया है कि उन्हें 5% का कमीशन मिलता था और वो इस धंधे को पूरा सहमति के साथ चलाते थे। ये देख सकते हैं, उसके बाद पूरा न्यूज दिखाएंगे। 5% मिलता था कमीशन। मुख्य आरोपित कौशिक ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि वह पेपर 20 से 25 लाख रुपए में अपने सदस्यों के जरिए बेचता था। अपनी अवैध कमाई का 5% कमीशन अंजू कटियार को देता था। हालांकि तलाशी के दौरान उनके कमरे से एसटीएफ को रकम नहीं मिली, लेकिन संलिप्तता जरूर उजागर हुई है और एसटीएफ ने अंजू कटियार के लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर लिया है। अब उनके ऊपर गिरफ्तारी करने का कार्रवाई की जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा न्यूज। एलटी ग्रेड परीक्षा है ये, आप जान रहे होंगे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार के मोबाइल लैपटॉप में अहम साक्ष्य मिले हैं। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने उन्हें जब्त कर लिया है। अब अंजू कटियार की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। मंगलवार देर रात आयोग मुख्यालय में छापा मारने के बाद एसटीएफ बुधवार को दिन में छानबीन करती रही। कई फाइल और दूसरे दस्तावेज भी सील किए गए। रात में भी आयोग में एसटीएफ के अधिकारी जमा रहे। ये है, आप देख रहे हैं जो चित्र, ये मंगलवार रात लोक सेवा आयोग के आप यहाँ पर कुछ चित्र देख रहे हैं। एसटीएफ की वाराणसी टीम ने मंगलवार को कोलकाता निवासी कौशिक कुमार को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि वह ब्लेसिंग कोयोर प्रोस प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। इस प्रिंटिंग प्रेस में सरकारी व गैर सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई होती है, लेकिन मालिक ही पेपर लीक कराने का मुख्य सरगना निकला। जी हाँ, ऐसे ही आपने कई परीक्षाओं में देखा होगा। 2017 की एसएससी सीजीएल की परीक्षा में जो कंपनी यानी सीपी कॉरपोरेट जो परीक्षा करवाती थी एसएससी का, उसने अपना सर्वर खुद ही दलालों को बेच दिया था। तो ये थोड़ी बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जिसके जिम्मे ये सरकारी पेपर होते हैं ना, जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, वो खुद ही इस काम को शुरू करता है। एसटीएफ को यह भी पता चला कि 26 मई 2019 को कौशिक आयोग स्थित अंजू कटियार की आवास पर गया था और 10 लाख रुपए भी दिया था। तब उसे अंजू ने पीसीएस का पेपर प्रिंट करने के लिए दिया और बताया था कि मेंस परीक्षा का पेपर है। इस पर देर रात एसटीएफ वाराणसी प्रयागराज की टीम ने छापा मारा था। सर्च वारंट लेकर के टीम पहुंची। आगे देखिए क्या होता है। टीम ने परीक्षा नियंत्रक व कमरा आलमारी समेत अन्य जगह की तलाशी ली। मोबाइल और लैपटॉप में कई साक्ष्य मिलने पर उसे जब्त कर लिया गया। बुधवार सुबह टीम फिर आयोग पहुंची और अंजू कटियार से घंटों पूछताछ करते हुए कई साक्ष्य संकलित किए। एसटीएफ का दावा है कि ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसके तहत गिरफ्तारी हो सकती है। कौशिक से व्हाट्सएप पर होती थी बातचीत। जी हाँ, कौशिक से व्हाट्सएप पर उस प्रिंटिंग प्रेस से मालिक से बातचीत होती थी अंजू कटियार की। आइए आपको दिखाते हैं। मोबाइल की जांच में पता चला है कि परीक्षा नियंत्रक और मुख्य आरोपी कौशिक के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत होती थी। एसटीएफ का दावा है कि कौशिक के कंपनी का पूर्व कर्मचारी अशोक देव मुखबिरी कर रहा था, तब इसकी भनक अंजू को लग गई थी। इसी के चलते वह कहती थी कि कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी लिखवाना चाहती हूँ, और इन्हीं बीच ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा टाइट पकड़ा और ये पहुँच गया एसटीएफ तक, और आज ये इस मोड़ पर आ चुके हैं। आप लोग अपने विचारों को अवश्य कमेंट करिएगा कि कैसे इस समस्या से निजात मिले, क्योंकि आप ही लोग इसके भविष्य हैं, दूसरा नंबर, और आप ही हम लोग इसको झेलते हैं। और एक बात हमें बताइएगा कि आप जो ये न्यूज़ देखते हैं, हम आपको पेपर के माध्यम से दिखाते हैं, क्या आप चाहते हैं जैसे और भी लोग वीडियो बनाते हैं आपको देते हैं कि उसमें लोक सेवा आयोग की फ़ोटो दिखे, इधर उधर की गाड़ियाँ दिखे, और भी इधर उधर का चीज़ दिखे, पेपर ना दिखे लेकिन उसमें आपको न्यूज़ की जानकारी दी जाए, तो क्या आप उस तरह का वीडियो ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर जो लिखा होता है हम आपको उसको दिखाते हैं डायरेक्ट, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इस तरह का वीडियो नहीं पाना चाहते तो वो भी बता दीजिएगा। आप भले ही एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए
कि जो आईएएस पीसीएस बनते हैं और जो भी बड़े पदों पर भर्ती होते हैं उन लोगों की परीक्षाएं कैसी होती हैं, 20-20 लाख रुपए में मिलता है ठेका। जी हाँ, 20-20 लाख रुपए का ठेका होता था ये। सोचिए 20 लाख रुपए दीजिए और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अच्छी खासी रैंक हासिल करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें और कुछ सोचें।